हाल ही दिनों में राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जहां अधिवेशन संपन्न होने के बाद इंदौर जिले में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्तावों की जानकारी भी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी एवं प्राप्त मंत्री राधिका सिंह सीकरवार ने बताया कि दिल्ली में संपन्न हुए विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में चार प्रमुख प्रस्तावों के साथ ही कार्य परिषद की बैठक में दो अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति, कल्याणकारी भारतीय कूटनीति, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए देश के युवा और विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यकता के बिंदुवार प्रस्ताव पारित हुए हैं। जी, विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन अभी दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुआ है। 7, 8, 9, 10 दिसंबर को संपन्न हुआ है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहे, और उस अधिवेशन में पूरे देश भर से हर एक इकाई से लगभग 8 से 9 हज़ार विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए हैं, जो वर्तमान में विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। ऐसे हर एक जिले से और हर एक इकाई से हमारे कार्यकर्ताओं सम्मिलित हुए हैं, और उस अधिवेशन में चारों दिन अलग अलग विषयों पर हमारे भाषण हुए, कुछ चर्चा सत्र हुए, इसे पूरा उसका स्वरूप रहा है। उस अधिवेशन में मुख्यतः कुछ बातें रही है, जिसे एक हमारा जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव हमारे पारित हुए हैं। टोटल राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें हमारा एक शिक्षा के ऊपर था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन परिसर को लेकर हमारा एक प्रस्ताव रहा है। दूसरा प्रस्ताव हमारा विवेकशील विकास, पर्यावरण के लिए आवश्यक, संतुलन के लिए आवश्यक, ऐसा प्रस्ताव रहा है। और एक प्रस्ताव तीसरा रहा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाए देश के युवा, क्योंकि आज देश भर में देखा जा रहा है कि युवा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो हेल्थ के मापदंड पैरामीटर्स जो चेंज हुए हैं, उन सबको देखते हुए एक नया प्रस्ताव देश के सामने हमने रखा है। एक प्रस्ताव हमारा और रहा है उसमें, जो वैश्विक स्तर पर रहा है, जिसमें वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति को लेकर हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे 4 प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए गए हैं, और 2 प्रस्ताव जिसमें एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया उसको लेकर जो अभिनंदन प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित किया गया है। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये हम सबको पता है, पूरे भारत और पूरे विश्व में उसकी जानकारी है, उसकी अभिनंदन के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी समय में एक अभियान भी चलाया जाएगा। जी हाँ, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जानकारियां दी जाएगी और विद्यार्थी परिषद के मूल विचार, पहचान और कार्य प्रणाली को लेकर बताया जाएगा। इसके साथ ही एबीवीपी के लोगों ने 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया है और कहा कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों पर दीप जलाकर इस दिन को दीपावली की तरह मनाएं। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है, और अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में, मैं आपको पूरा डिटेलिंग अगर थोड़ा ब्रीफ करूँ कि उसमें पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हमारे कार्यकर्ता लोग देश भर से आए थे, उनके बीच में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इसमें मुख्यतः ये विषय रहे कि जो देश भर में विद्यार्थियों के बीच में अभी वातावरण बना है, जिस कारण से विद्यार्थी को जो एक अट्रैक्शन होना चाहिए कैंपस का, उसकी कमी दिखी है। विद्यार्थी परिषद ने एक चीज़ ये भी कही है इस अधिवेशन में कि पूरे देश भर के कैंपसेस में स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन बढ़ना चाहिए, स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है कुल मिलाकर वो बढ़ना चाहिए, स्टूडेंट कैंपस में जाना चाहिए, उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने वहाँ चर्चा की है। और हमने आगामी समय में कुछ योजनाएं भी हमारी तय हुई है, जिसमें कैंपस चलो परिसर चलो अभियान हमारा एक आने वाला अभियान है, जिसमें विद्यार्थी परिषद पूरे आगामी सत्र में काम करेगी ताकि कैंपस की अटेंडेंस बढ़ सके। और उसी को लेकर एक दूसरा पक्ष की कैंपस को जीवंत बनाया जाए, जीवंत परिसर रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, स्टूडेंट के इंटरेस्ट का रहेगा तो स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन वहाँ बढ़ेगा। उसमें एक पक्ष और है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की और स्टूडेंट्स जो बढ़ रहा है, तो उसका कारण है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो सिलेबस है और कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं समानता नहीं होती है, तो उसको समानता लाने के लिए भी हमने बात की है कि कैंपस में वही पढ़ाया जाए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया जाए, ताकि स्टूडेंट कोचिंग के बजाय कैंपस में जाए, क्योंकि कैंपस ही एक नेतृत्व सीखने का केंद्र भी होता है और जीवन और भविष्य बनाने का, शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र भी कैंपस होता है। तो उस दृष्टि से एक हुआ है। और एक विद्यार्थी परिषद ने और आह्वान किया है कि आने वाले सत्र में, आने वाले जनवरी माह में, हम लोग देश के हर एक जिला केंद्र पर हमारा
छात्र सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसने पिछले वर्ष भी हुआ था, इस बार और बड़ी संख्या में और ताकत से ऐसा छात्र सम्मेलन आयोजन करने का हमारा निर्णय उस अधिवेशन में हुआ है। बता दें कि दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक कूटनीति सहित 6 विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।